ये हमारी इग्निशन कॉइल है जो हमने CVR 250 से निकाली है, ठीक है। इसमें हमें जो स्पार्क मिल रहा था वो वीक मिल रहा था, इसके अगेंस्ट में हमने जुगाड़ करके ये अरेंज की हुई है। अब हम पहले इंस्टॉल करने से पहले चेक करना पड़ेगा ना कि कॉइल सही है कि नहीं है। तो देखो, इग्निशन कॉइल का काम होता है स्टेप अप करना वोल्टेज को। 12 वोल्ट डीसी हमें मिल रहा है, ये हमें 20 से 22,000 वोल्ट DC में निकाल के देगा वोल्टेज, ठीक है। तो हमें क्या, हमें स्पार्क चाहिए तभी फ्यूल जलेगा, ठीक है। तो हमने इसके अंदर चेक करने के लिए सिर्फ दो चीजें हैं। पहली चीज होती है, इसमें दो बाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है हम उसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि देखो सर्किट के ऊपर तो अभी कॉइल लगी नहीं है, ठीक है। CVR 250 की है, सर्किट में नहीं लगी हुई, हमने चेक करनी है। तो इसमें दो फंडे हैं। अगर हमने प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करना है तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर लो वोल्टेज होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर हाई वोल्टेज होती है, समझ गए बात, क्योंकि सेकेंडरी से आउटपुट निकलती है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग का याद रखने वाली बात है, जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज 0.2 से लेके 3.0 ओम के बीच में होता है, 0.2 to 3.0। जब मल्टीमीटर से चेक करना है तो हमें पता है कि हमें प्रोब कहाँ रखनी है। यहाँ सबसे मिनिमम रीडिंग आपको 200 ओम की दिख रही है, ठीक है। 200 ओम से नीचे की कोई रीडिंग नहीं है। तो हमने कितना नापना है, 0.2 से लेके 3 के बीच में। तो 200 ओम के ऊपर प्रोब को रखना है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हाथ में पकड़ने हैं और इग्निशन कॉइल के प्राइमरी सर्किट के दोनों टर्मिनल्स को ऐसे टच करना है। जब आप इनको टच करोगे मल्टीमीटर के ऊपर रीडिंग आएगी। आप चेक करो मल्टीमीटर के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है, इट इज 2.7। मैंने रेंज बताई 0.2 से लेके 3.0, मतलब 3 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.7। तो मतलब इसमें रेजिस्टेंस काफी है, रेंज के अंदर है लेकिन 3 के लगभग ही है, अपसाइड को मिल रहा है ना, ठीक है, ओके। अब हमने इसी कॉइल में दूसरा सर्किट क्या चेक करना है, दूसरा सर्किट होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का रेजिस्टेंस चेक कर लिया, अब हमने सेकेंडरी का करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है, आउटपुट मिलती है ना यहाँ से, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की आउटपुट है। यहाँ से हमने इसको पॉजिटिव साइड को यहाँ पे जोड़ देना है, इनमें से किसी भी एक टर्मिनल को जोड़ लो आप, प्राइमरी वाइंडिंग का कोई भी एक टर्मिनल जोड़ लो। जैसे ये वाला टर्मिनल मैंने जोड़ लिया, अब नीचे रेजिस्टेंस देखना। अभी पहले पर एक बात और, इसकी सेटिंग में क्या इशू रहता है, अब मैंने बोला कि इसमें हाई वोल्टेज मिलेगी, यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 20,000 वोल्ट है, तो इसमें भी रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन होनी चाहिए। तो ये 200 ओम के ऊपर चेक नहीं होगा, ये कहाँ चेक होगा, 20,000 ओम पे। ये 20K लिखा है ना, K का मतलब होता है 1000, 20,000, समझ गए इतनी बात। तो 20,000 पे हमने रखा, मैंने एक टर्मिनल को इसके सेंटर प्रोब में डाल दिया जहां से हमारा आउटपुट मिल रही है, और किसी एक टर्मिनल को मैंने टच कर दिया। कितनी रीडिंग आ रही है, 10.55, मतलब कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 10,520 ओम, 10,000। ये 10 का मतलब है यहाँ 10,000, क्योंकि इधर रीडिंग किस में है, K में, K लगाए ना साथ में, 20K का मतलब 20,000। तो यहाँ रीडिंग आ रही है 10, तो 10 का मतलब है 10K, समझ गए बात। तो 10,530 ओम आ रहा, मतलब इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है। अभी हमने ये देखी है, ये हमने अनइंस्टॉल की हुई है बाइक से, इसका रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया। अब हमने जो जुगाड़ करके नहीं लाई है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो हमने पहले प्राइमरी वाइंडिंग चेक करनी है, पकड़ो इसका प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस याद है कितना आया था, कितना आया था, 2.7। हाँ, बस ये चीज याद रखनी बेटा। अब मैंने फिर से इसको 200 ओम पे रखा, मिनिमम यही है। अब चेक करना कितना आ रहा है, 0.7। अब 0.7 बड़ा होता है कि 2.7 अगर बड़ा है तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब वो करंट को फ्लो नहीं करने देगा, समझ रहे हो मेरी बात। इसमें रेजिस्टेंस कम है, 0.2 से ऊपर चाहिए ना हमें, तो अगर 0.3 है तो मतलब रेजिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर 3.0 है, पूरा 3 पे पहुंच चुका, तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट फ्लो नहीं कर पाए, समझ रहे हो मेरी बात। तो जब हमने इसको चेक किया, हमने इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को जब चेक किया, तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की रीडिंग कितनी आ रही है, 0.7 या 8, फ्लक्चुएट हो रही है 7 या 8, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा, इसका प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है पुरानी के मुकाबले। पुरानी में 2.7 2.8 आ रहा था, यहाँ पे 0.7 आ रहा है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम है, ये करंट को ज्यादा फ्लो करने देगा, समझ गए मेरी बात। अब हम सेकेंडरी को कंपेयर करेंगे। अब सेकेंडरी में क्या है, मैंने बताया था हमने पहले सेटिंग को जो मल्टीमीटर की है, इसको 20K पे ले जाना, 20,000 ओम पे, वोल्टेज बहुत हाई है इस साइड को, बाइंडिंग की अपनी एक कैपेसिटी है ना, सेकेंडरी बाइंडिंग है, ओके। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक प्रोब इसमें लगा ली और किसी भी एक टर्मिनल को पकड़ लिया जैसे पहले पकड़ा था। अब इसका कितना रेजिस्टेंस है, 6.41, उसका कितना था, 10.5 54 या 5.95, जो भी था, 53 था या जो भी था। तो अभी इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 6.4। अब इसमें भी रेजिस्टेंस कम है, कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो हमें स्पार्क अच्छा मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा होगी, तो करंट कम फ्लो करेगा,
अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। क्लियर आ रही बात समझ?